हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन, क्योंकि ये चैनल है आपके लिए ड्रोन की इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इफ़ यू इंटरेस्ट इन ड्रोन्स, टेक से जो टेक मैं यूज़ करता हूँ, सो वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर। सो आज का वीडियो, जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, खास है M30S के लिए। इसमें कुछ ऐसे गेस्चर के लग्जरी फीचर्स हैं, शायद काफ़ी जनता को नहीं मालूम होगा। अगर आपको मालूम है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कैसे हैं वो मज़ेदार लग्जरी फीचर्स जो आपको इस फ़ोन के यूज़ को गेस्चर से इतना इजी बना देते हैं कि कमाल आ जाता है, मज़ा आ जाता है, आपका लाइफ एकदम इजी हो जाती है। काफ़ी जो डे टू डे चीज़ें हैं वो कैसे इजीली विद गेस्चर्स, गेस्चर होते हैं हैंड की पोजीशन या स्वाइप किया वो किया, इन चीज़ों से इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं। तो काफ़ी लोगों को मुझे लग रहा है नहीं पता होंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं जैसे मैं उठा रहा हूं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, बहुत काम आएगा आपका वीडियो, क्योंकि ये अमेजिंग फीचर्स मैंने आईफोन जैसे फ्लैगशिप फ़ोन में भी नहीं देखे हैं गेस्चर के हिसाब से जो इसमें इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। और बहुत यूज़फुल फीचर हैं जो कि आपका टाइम सेव करते हैं और आपको एक लग्जरी प्रोवाइड करवाते हैं, ईजी वे टू हैंडल डेली टास्क। तो चलते हैं फ़ोन के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए, आपको मज़ा आने वाला है। और अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मोबाइल्स, गैजेट्स, एवरीथिंग जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मुझे नॉलेज है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा आ गया M30S, ये फीचर्स मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कितने यूज़फुल हैं ये। तो सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आपको जाने के बाद आपने जाना है एडवांस फीचर्स में। एडवांस फीचर्स में आपको मिलेगा इस 1 2 3 4 5 नंबर पे मिलेगा मोशन एंड गेस्चर्स। अब ये देखिए, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे ऑन किए हुए हैं, तो काफ़ी लोगों के शायद डिफ़ॉल्ट से कुछ ऑन होते हैं कुछ ऑफ होते हैं, तो क्या है हर एक का मतलब और वो ऑन करने चाहिए या नहीं, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो सबसे मज़ेदार इसमें मैंने फ़ीचर जो देखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले है ये फिंगर गेस्चर का फीचर। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें आपको जो आपके यहाँ नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो वो बहुत इजीली आप इसके जो सेंसर है पीछे, दिस फिंगर सेंसर, इसके मदद से आप नोटिफिकेशन खोल पाएंगे। आपको करना क्या होगा, जैसे आपने ऊपर से, जनरली आप क्या करते हैं ऊपर से ऐसे खींच के इसको नीचे लाते हैं ना, तो वो आप एक हाथ से आपने अपनी फिंगर ऐसे करनी है ऊपर से नीचे, ऐसे करेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसे करेंगे चला जाएगा, वही मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब जैसे ही हमारा फ़ोन ऑन है, आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए, लॉक होगा तो ये काम नहीं करेगा, अभी पहले बता रहा हूँ। तो पहले आप इसको ऑन कर लें, जैसे अभी अनलॉक्ड हो चुका है। अब मैं देखिए ऊपर से स्वाइप करूँगा, ये देखिए, ये मैं पीछे से कर रहा हूँ, अब मैंने ऊपर से फिर किया स्वाइप, फिर चला गया, देखिए मैं पीछे से अपनी फिंगर घुमा रहा हूँ और ये लाइक दिस, ये नीचे करता हूँ और ऊपर करता हूँ, नीचे करता हूँ ऊपर करता हूँ, और मेरे नोटिफिकेशंस ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये था पहला फीचर जो आप मुझे काफ़ी पसंद आया फिंगर सेंसर गेस्चर्स में, ये है फिंगर सेंसर गेस्चर ऑन। अब आपको दिखाते हैं दूसरा मज़ेदार फीचर, वो है पाम स्वाइप टू कैप्चर, ये वाला। इसमें फ्रेंड्स क्या है, ये बहुत ही मुझे मज़ेदार लगा। इसमें बस आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होता है, कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है स्क्रीनशॉट लेने की, तो मोस्टली फ़ोनों में ये दो बटन दबा के लिया जाता है, आईफोन में भी ऐसे है, लेकिन इसमें इन्होंने एक गेस्चर दे दिया बहुत अच्छा सा। तो करना क्या, आपको बस अपना हाथ जो भी स्क्रीनशॉट लेना है उसके ऊपर ऐसे घुमाना है, जैसे घुमाएंगे आपका स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, फिर आप उसको सेव कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया गया, ये देखिए, अब ये पूछ रहा है गैलरी से खोलना है, गैलरी से खोलते हैं और ये मेरा स्क्रीनशॉट है, इसको मैं कहीं भी शेयर कर सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ। तो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, अब मैं फर्स्ट स्क्रीन का लेता हूँ होम पेज का, जैसे ये होम पेज है, आपने करना क्या, साइड पर रखना है इसको आउट करना है, इस तरह से आपका ये देखिए नीचे स्क्रीनशॉट आया हुआ है, देखिए एनिमेशन में आपको इजीली पता लग जाएगा। तो इसको आप ऑन करके रखें तो बहुत बढ़िया आपको, क्योंकि आपको करना ही होते हैं और
स्क्रीनशॉट सबको ज़रूरत पड़ती है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अब है स्वाइप टू कॉल और सेंड मैसेजेस। ये जो फीचर है ये आप फ़ोन बुक में जाइए अपने कॉन्टैक्ट्स में, अगर आप उसमें राइट स्वाइप करेंगे तो आप कॉल कर पाएंगे सीधा, और अगर आप लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो सीधा मैसेज कर पाएंगे। ये भी बड़ा कन्वीनियंट फीचर है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कॉन्टैक्ट्स में गया हूँ, ये एयरटेल मैन है, जैसे ये एयरटेल लाइव का जैसे मैंने करना है, तो एयरटेल लाइव को मैं अगर राइट करता हूँ, ये देखिए कॉलिंग, देखिए कॉल होने लग गई। ऑन द अदर हैंड अब एयरटेल लाइव को मैंने मैसेज करना है तो मुझे लेफ़्ट स्वाइप करना है, तो ऑटोमेटिकली मैसेज वाली विंडो आ गई। तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया आपको गेस्चर्स के इन्होंने फीचर्स प्रोवाइड करवाए हैं, तो ये भी मैं आपको कहूँगा कि आप इसे ऑन कर लें। तो स्वाइप टू कॉल हो गया, पाम स्वाइप हो गया, फिंगर सेंसर हो गया। अब है 100 गेस्चर, ये उसके लिए है जैसे आप 100 चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जैसे आप कैमरा है, कैमरा मेरा आप स्वाइप होके साइड से आ जाता है, जैसे मैंने ऑन किया हुआ है, आपको दिख रहा है कैमरा यहाँ, मुझे कुछ नहीं करना, और देखिए सीधा कैमरा खुल गया। तो ये लॉक फीचर में आपको 100 में अगर ऑपरेशन करना है, जैसे आप कहीं बैठे हैं आपको फटाफट से कैमरा ऑन करना है, तो आपको दिख रहे हैं फ़ोन दिख रहा है, जो भी चीज़ करनी है आपको बस एक स्वाइप करना है एक हाथ से तो सीधा कैमरा खुल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा बेहतरीन फीचर है आपकी कन्वेंस के लिए। एंड अब आपको दिखाते हैं एक इस, ये मैंने नीचे वाले कवर कर लिए, ये नंबर वन फीचर्स मुझे लगे जो नीचे वाले ब्लॉक में है, ऊपर वाले ब्लॉक में चलते हैं। इसमें एक है इजी म्यूट। इजी म्यूट में क्या है आपको शायद पता होगा या नहीं, तो इसमें आप ये फीचर दिया बहुत ही कन्वीनियंट है, जैसे आपको कोई कॉल आ रहा है तो आपको कॉल नहीं लेना है, तो आप सीधा उसके ऊपर अपना हाथ रखें, कॉल म्यूट हो जाएगी, इनकमिंग कॉल। और दूसरा तरीका है आप इसको उल्टा दें तब भी फ़ोन आपकी म्यूट हो जाएगी, आप उसको रिसीव नहीं करेंगे। तो ये भी बहुत कन्वीनियंट फीचर है कि आप किसी मीटिंग में फटाफट कोई आपको फ़ोन आया, फटाफट उसके हाथ रख दें तो वो फ़ोन म्यूट हो जाएगा, आप कॉल नहीं लेंगे। तो दैट इज़ वेरी ग्रेट फीचर, कन्वीनियंट फीचर, काफ़ी यूज़फुल फीचर है। और स्मार्ट अलर्ट में क्या है, योर फोन विल वाइब्रेट व्हेन यू पिक इट अप आफ्टर मिसिंग कॉल्स और रिसीविंग मैसेजेस। इसमें क्या होता है कि सपोज आपके मैसेज आए हैं, आपका फ़ोन कहीं पड़ा हुआ है, अगर आपने ये फीचर ऑन किया हुआ है, वो मैसेजेस आ गए या फ़ोन कॉल मिस कॉल हो गई हैं, तो जैसे ही आप फ़ोन को उठाएंगे तो वो वाइब्रेट करेगा, और उस वाइब्रेशन का मतलब ये होगा कि आप चेक करें कि आपकी मिस कॉल आई हुई हैं या कोई मैसेजेस आए हुए हैं। तो ये भी बड़ा यूज़फुल फीचर है स्मार्ट अलर्ट वाला, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। और लिफ्ट अवेक जैसे आपको मालूम है वो यही है कि कई लोग पहले पूछ रहे थे कि जैसे हम इसको ऊपर करते हैं ओपन मतलब वेक हो जाता है, तो ये भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ऑन रखना है तो रखिए, अगर आपको बैटरी थोड़ी बचानी है तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं। डबल टैप टू वेक है कि अगर आपकी स्क्रीन ऑफ है तो आप इस पर डबल टैप करेंगे तो आपका ऑन हो जाएगी, तो दैट इज़ अ फीचर आई लाइक इट। ये आईफोन एक्सेस में भी है तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसमें ऑन करके रखा हुआ है। अब लास्ट फीचर जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वैसे अच्छा फीचर है, स्मार्ट फीचर है कि जब तक, इसमें यह है स्मार्ट स्टे, जब तक आप इसको देखते रहेंगे तो आपको फ्रंट कैमरा आपको डिटेक्ट करता रहेगा कि आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तब तक इसकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। तो एक लिहाज से अच्छा भी, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आप नहीं चाहते कि स्क्रीन अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट इसका है, इसमें आपकी बैटरी वेस्ट हो सकती है, तो ये इसलिए मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, लेकिन वैसे यूज़फुल फीचर है, अगर आप चाहते हैं तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। इसे ऑन करने से क्या होगा कि जो भी चीज़ आप, जब तक आप स्क्रीन को देखते रहेंगे तब तक स्क्रीन ऑन रहेगी, वो बंद नहीं होगी, ऑटोमेटिकली इसे रेस्ट पे चली जाती है बैटरी बजाने के लिए। तो नेगेटिव एस्पेक्ट इसी फीचर का सिर्फ ये है कि आपकी इसमें बैटरी वेस्ट हो सकती है, बाकी ऑल एंड ऑल ये गेस्चर फीचर बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के हैं। तो मैंने सारे ऑन किए हुए हैं, सिर्फ स्मार्ट स्टे को मैंने ऑफ़ किया हुआ है, क्योंकि वो मुझे अपनी बैटरी को लगता है कि बैटरी को वेस्ट करेगा, बाकी फीचर सब बढ़िया हैं, कोई बैटरी पर असर नहीं पड़ने वाला और आपको फ़ोन के यूज़ को अच्छा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था इसके स्मार्ट गेस्चर कंट्रोल्स, लग्जरी गेस्चर कंट्रोल्स। अगर इनमें से अन को आप ऑन कर लेंगे तो आपका सैमसंग M30s एक लग्जरी फ़ोन की तरह आपको लगेगा, और बहुत ही बढ़िया कन्वेंस, मतलब हाथ फेरा, स्क्रीनशॉट मिल गया, यूं किया, कॉल बंद हो गई, उल्टा रख दिया फ़ोन, कॉल बंद हो गई, तो कमाल के फीचर हैं। तो ज़रूर आप इसको, इनको ट्राई करें, और जो आपको पसंद आए आप यूज़ करें डेली लाइफ टू लाइफ, इसमें आपका
टाइम बचेगा क्योंकि एक चीज़ें बहुत फास्ट कर देगा उस चीज़ से। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि अब काफ़ी तादाद में ये फ़ोन बिका हुआ है, तो इसको शेयर करेंगे तो होप काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी जिनको नहीं मालूम है इन गेस्चर कंट्रोल्स का क्या यूज़ है और क्या फ़ायदा है। तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें आपको कौन सा फीचर इनमें से सबसे बढ़िया लगा। मेरे को सबसे बढ़िया फीचर इसमें लगा स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, कि इसके आप हाथ फिराइए और स्क्रीनशॉट आपका रेडी। दैट इज़ अमेजिंग फीचर जो मुझे सबसे बढ़िया गेस्चर लगा। आप बताइए आपको नंबर वन गेस्चर कंट्रोल इसमें से इन सभी में से कौन सा लगा, और कमेंट्स में लिखिए आप। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।